All houses of MPVM Gangadhar Club, attention! जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। सभी को गणतंत्र दिवस एवं वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विवेकानंद सभागार में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय का, सभी संयोजिकाओं का एवं सम्मानित शिक्षकगण तथा सहपाठियों का हृदय से हम स्वागत करते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है कि भारत हमारी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि है। हमें गर्व है कि हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं। हमें गर्व है कि हमारा भारत विविधता में एकता को दर्शाता है। 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारा संविधान लागू किया गया। आज का दिन भारतीय संविधान को सम्मान देने का दिन है। आज का दिन देश को स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को एवं देश से प्रेम करने वाले देश प्रेमियों को सम्मान देने का दिन है। इस शुभ अवसर को उल्लास के साथ मनाने हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ माँ सरस्वती की पूजा का विशेष दिन भी है। आइए इस पावन अवसर पर माँ सरस्वती के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने वाले नृत्य का आनंद लें, जिसे प्रस्तुत करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से 11वीं तक के विद्यार्थी।
सारा वातावरण ही भक्तिमय हो गया। देश भक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। अब मैं कक्षा 11 की समृद्धि पांडे से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर गणतंत्र दिवस पर अपने कुछ विचार हमसे साझा करें। सुप्रभात, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समृद्धि पांडे, कक्षा 11 की छात्रा, आपके समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है। यहाँ की संस्कृति में निहित समन्वय की प्रबल भावना के कारण ही भारत भूमि अनेकों में एकता जैसे विशेषण की जननी है और अतदेव पूज्य समेटे हुए इसे विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। हमें अपने भारत पर गर्व है। इसने विश्व को सभ्यता, ज्ञान, कर्म और भक्ति का संदेश दिया। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी परतंत्रता। हजारों लाखों शहीदों और देशभक्तों के प्रयासों से हमें स्वतंत्रता मिली। आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। हमारा संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान है। हमारे संविधान में हमारे महान राष्ट्र को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बोले गए यह शब्द हम भारतीयों के रूप में हमारी साझा पहचान है। हमारे देश का भविष्य हमारे हाथों में है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें। स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा दायित्व है। आजादी मिले 75 पूरे हो गए हैं, परंतु क्या आज भी हम अपने संविधान को पूर्ण रूप से जान पाए हैं? मैं स्वयं एक छात्रा के रूप में यह अनुभव करती हूँ कि लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका प्रारंभ हमें विद्यालय स्तर पर करना चाहिए। जागरूकता लाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है संविधान पर आधारित विविध कार्यविधि। इसके द्वारा बच्चों को आसानी से संविधान के महत्व के बारे में बताया जा सकता है। विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं। गणतंत्र हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ विभिन्न अधिकारों को प्रदान करता है तथा तानाशाही से बचाता है। बच्चों को भी अपने अधिकार तथा नियमों का ज्ञान प्रारंभ से ही रहेगा तो वे भी उसी अनुसार कर्म करेंगे। आजादी से अब तक हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं और आज भारत विविध एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक जीवंत नागरिक समाज के साथ पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है। लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है। आओ कि आया है राजपर्व कर्तव्य हमारा है। नमन माँ भारती तुझे दिया राजपर्व प्यारा है। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। आपने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। देश हमारा सबसे प्यारा, हम इसकी संतान है। लहू का हर एक बूंद निचोड़ो, सब में बसता हिंदुस्तान है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 1, 2, 3 के छात्र एक्शन सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके बोल हैं मेरा देश मेरी शान। भरपूर तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। Thank you.
जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। अब मैं कक्षा चौथी एवं पांचवी के बच्चों को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वे आए एवं अपनी मधुर आवाज में देशभक्ति की प्रस्तुत करें, जिससे यह सभागार मधुरता एवं खुशहाली से भर जाए। गीत के बोल है किया समर्पित अपना जीवन।
इस बात का है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। अब मैं बाल गुरुकुलम के नन्हे मुंडों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर आकर एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करें जिसका विषय है मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे बसंती Thank you.
विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय माधुरी मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैम आइए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित कीजिए। You know, I always feel happy. इतनी खुशी होती है इन बच्चों को देख के कि इतना मौसम खराब था, सुबह उठने के बाद देखा बारिश हो रही है, मुझे लगा कि हमारे बच्चे शायद मन बदल देंगे कि अब बारिश हो रही नहीं जाएंगे, या पेरेंट्स कहेंगे कि मत जाओ। बच्चों घर जाके अपने पेरेंट्स को जरूर मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अगर वो हमारे साथ ये चीज मन में ना रखे कि हमारे बच्चों को सेलिब्रेशन, स्पेशली जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल जाना चाहिए, तो आप नहीं आ पाएंगे। बिकॉज आई नो मैनी ऑफ द पेरेंट्स हैड कम टू ड्रॉप द चिल्ड्रन, हमें पता चला कि वो आए और आपको यहाँ तक पहुंचा के गए और लेने भी आएंगे, तो वो एफर्ट्स कर रहे हैं और वो उनके एफर्ट्स हमारे स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे टीचर्स की तरफ से, मेरी तरफ से आप अपने पेरेंट्स को एक बड़ा थैंक यू जरूर बोलिएगा। अब मैं बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बायलिंगुअल बोल रही हूँ क्योंकि वैसे मुझे पूरी तरह हिंदी में ही बोलना चाहिए आज, है ना, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। बहुत कम समय मिला था क्योंकि डीएम्स ऑर्डर की वजह से स्कूल बंद था, बच्चे नहीं आ रहे थे और फिर उसके बाद हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो बच्चों को वो भी देखना था। उसके बाद भी जो भी यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया बहुत ही सुंदर था, सबने अपना 100% दिया और ये बहुत बड़ी बात है। कम समय पे बहुत अच्छा करना, बहुत सारा टाइम मिलता है तो हम अच्छा कर ही लेते हैं, हम करते हैं आराम से बहुत सारी प्रैक्टिस करके, पर अगर हमें कम समय मिला है और फिर भी हम अच्छा करके दिखा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं वो सब एक बार इन सारे बच्चों के लिए क्लैप करेंगे जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए जितने इम्पोर्टेंट आप हैं कि आप आए स्कूल में, कि हमें जाके अपने स्कूल में सेलिब्रेट करना है, उतने ही इम्पोर्टेंट ये बच्चे हैं कि इन्होंने भी ये किया कि हमें अपने स्कूल में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। बहुत सारे स्कूलों ने ना इस बार 26 जनवरी पे फंक्शन नहीं रखा, ये सोच के कि बसंत पंचमी का हमारे यहाँ जो नहान का रहता है ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, चलो हम ऐसे ही थोड़ा सा करके कर लेते, पर हमारे टीचर्स ने कहा नहीं मैम हम पूरा सेलिब्रेशन करेंगे, हमारे बच्चे आएंगे। तो ये एक विश्वास टीचर्स के मन में कि आप आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे बहुत बड़ी बात है, ये आपकी बॉन्डिंग दिखाता है। और बॉन्डिंग से मैं एक बात और कहना चाहूंगी बच्चों, आज आपने यहाँ पर जब एक डिस्कशन टाइप का शो था जिसमें बच्चे बता रहे थे अधिकारों के बारे में, हम बहुत सतर्क रहते हैं हमें ये मिलना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, वो चाहे घर में हो पेरेंट्स के सामने या टीचर्स से या किसी से भी, हमें ये मिलना ही चाहिए, हमारे लिए ये होना ही चाहिए। इसके लिए तो हम बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं और डिमांडिंग भी होते हैं, पर जब हमें कुछ करना होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई देख रहा है तो फिर हम कर ले, यदि कोई नहीं देख रहा है तो अवॉइड करो, मत करो। एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर आप ये देखते हैं कि मैंने रैपर फेंका और कोई देख रहा है तो फिर मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं नहीं फेंकते, पर यदि आपने देखा कि कोई नहीं देख रहा है, इधर उधर एक बार नजर घुमाई कोई नहीं देख रहा तो फेंको। तो ये सबसे खराब चीज है, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सतर्क रहना है। और वो कहां से शुरू होता है, स्कूल से, घर से, हमारे कर्तव्य, हमें घर में क्या करना है, हमें स्कूल में क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश वही है, आपका देश, आपका घर, आपका स्कूल है,
ये बात आपको समझनी चाहिए कि हमेशा जब हम ये कहते हैं कि अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जब बाहर निकलेंगे, हम जब बड़े होंगे, जब हम कुछ करने लगेंगे जॉब, तब ही हमें देश के बारे में सोचना है। नहीं, क्लास वन के बच्चे को भी देश के बारे में सोचना है। और उसका देश क्या है? उसका घर, उसका स्कूल, उसकी सिटी, ये तो देश में ही है ना। तो हमें सबको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपने पार्ट के कर्तव्य निभाने हैं। और जब हम, मुझे पता है यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब बहुत सजग हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, क्योंकि उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स उनको कॉन्स्टेंटली बताते हैं क्या सही है और क्या आपको करना है। गलत बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप अपने आप समझ जाते हैं जब हम सही बता देते हैं, ठीक है ना। तो आपको कॉन्स्टेंटली ये चीजें बताई जाती हैं, मगर इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, वो ये है कि जब कोई और गलत कर रहा है उसे रोकने की हिम्मत सीखिए। आप चाहे एक जूनियर क्लास में हो, चाहे सीनियर क्लास में हो, यदि आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, वो गलत किसके लिए हो रहा है? मेरे देश के लिए, क्योंकि ये स्कूल मेरा देश है, क्योंकि ये घर, ये सिटी मेरा देश है। अगर यहां पर कोई भी कुछ गलत कर रहा है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ के उसे रोके, क्योंकि ये भी आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के चीजों के लिए बहुत सतर्क रहेंगे और ऑब्जर्वेंट बनिए। हिंदी में मुझे उसके लिए शब्द नहीं ध्यान आ रहा है इस समय। तो आपको ऑब्जर्वेंट बनना है, मतलब हमें हर चीज ऑब्जर्व करनी है, ये नहीं कि बस इतना ही मेरा क्षेत्र है, मुझे इसी पे ध्यान देना है, मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये चीज नुकसान करती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर अगर हम आज ध्यान देंगे तो जब हम इस स्कूल से पास आउट होंगे, 12th पास करके हम बाहर निकलेंगे, तब तक हम इतने ट्रेन हो चुके होंगे कि हम अपने आसपास की चीजों को सुधारने और संभालना सीख चुके होंगे। आपको मम्मी पापा के गाइडेंस की जरूरत पड़ना कम हो जाएगी, आप खुद संभाल पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमें देखे जो हमारे स्कूल से पास आउट होते हैं और जब वो लौट के आते हैं, हम लोग आश्चर्य करते हैं कि कितनी मैच्योरिटी से वो अपनी चीजों को बताते हैं, यानी कि उन्होंने ये चीजें सीख ली। और यही हम चाहते हैं कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो ये चीजें सीखें। ये जो आप आए हैं ना आज यहाँ पर नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, ये भी आपने एक बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा किया है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। अगर हम अपने देश के लिए ये चीजें कर पा रहे हैं तो यानी कि हम अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस चीज को हमेशा बनाए रखिएगा कि हमें आगे बढ़ के कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन है तो उसमें पार्टिसिपेट करना है या उसका पार्ट होना है, यहाँ बैठना भी उसका पार्ट है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वेरी हैप्पी चिल्ड्रन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप बहुत अच्छी तरह अपने स्कूल के लिए, अपनी सिटी के लिए सोचिए और जो भी आपसे बन पड़े वो करिए। थैंक यू सो मच, और मेरा थैंक यू अपने पेरेंट्स को जरूर कन्वे करिएगा, और हम लोग फिर से एक साथ बोलेंगे जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं सभागार में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रीय गीत के लिए तैयार हो जाएं।